जीती रहो। रहने तो मैं बना लूंगा। आज तुम राजपुरा जा रही हो? जी हाँ। इस बार मायके से खुशी खुशी लौटना और गोद में मुझे दादाजी कहने वाले को लेती आना। रणवीर तुम्हें छोड़ने जा रहा है? जी नहीं, वो कहते हैं उन्हें यहाँ काम है। काम? तुम खुद अपनी सेहत की देखभाल करना और अमीर को मेरे पास भेज दो। जी। सुनो, दूसरी रेस में टिप्सी बॉय पर 5,000 रुपए लगा दो। क्या? ठीक है भाव है? तो ठीक है, 10,000 लगा दो। सुनिए। और दैट्स ऑल। जाने की तैयारी हो गई? जी, आपको बाबूजी बुला रहे हैं। जाता हूँ, लेकिन तुम कान खोलकर सुन लो। अब की बार बच्चा जिंदा पैदा करना, और वो भी लड़का, वरना इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी। क्या कह रहे हैं आप? मैं कहाँ जाऊंगी? जहन्नम में कूद पड़ना किसी नदी में, या चलती हुई रेलगाड़ी के नीचे सर दे देना, ताकि मैं किसी और के साथ शादी कर सकूं। जाने के बाद रणधीर की मुझे बहुत याद आ रही है। रणवीर, तुम उसे जाकर ले आओ। बाबूजी, आप तो जानते हैं कि भाई साहब कितने जिद्दी हैं। जब से आपसे झगड़ा करके गए हैं, आपकी चिट्ठी तक का तो जवाब नहीं दिया उन्होंने। वो जिद्दी नहीं है बेटा, वो सच्चा है, स्वाभिमानी है, और इन्हीं बातों के लिए मुझे उस पर गर्व है। मैं चाहता हूँ खानदान का बड़ा लड़का होने के नाते ये सारा कारोबार उसे संभाल लेना चाहिए। बाबूजी, कारोबार तो मैं भी जैसी आपकी मर्जी, मैं कल ही चले जाता हूं। सुनो जी, तुम भी तो इसी खानदान के बेटे हो, तुम्हारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। जी हाँ बाबूजी, आप कहिए, मैं हर जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हूं। तो फिर शराब पीना कम कर दो और जुआ खेलना छोड़ दो। क्या ये लीजिए? ये क्या है? मेरे जेवर, इन्हें बेचकर मजदूरों को पैसे दे दीजिए। त्योहार के दिन उनके घर में चूल्हा ना जले, ये मुझसे बर्दाश्त न होगा। तुम्हें किसने कहा उनके घर चूल्हा नहीं जलेगा? मैं जानती हूँ, 2 महीने से काम रुका हुआ है, आपकी परेशानी मैं समझती हूँ। परेशानी तो है, लेकिन अभी इतनी बुरी हालत नहीं हुई मेरी कि त्योहार पर अपने वर्करों को मैं बोनस न दे सकूं। और फिर अगर मुझे किसी से मदद लेनी होती तो बाबूजी से लेता। तुम जानती हो उनके पास कितने जेवर हैं? अरे इतने जेवर हैं, इतने जेवर, पूरा खजाना है उनके पास। खजाना? हाँ, खजाना। और फिर उसी खजाने के वजह से तो बाबूजी का और मेरा झगड़ा हुआ। एक दिन वो मुझे खजाना दिखाने ले गए। पत्थर को आहिस्ता उठाओ ताकि बिल्कुल आवाज ना हो। क्यों? जरा सी भी आवाज होगी तो सारी पहाड़ी गूंज उठेगी और जलजला शुरू हो जाएगा। जलजला? संभल के आहिस्ता। जी ये खोलो।
मेरे भी। हमारी पिछली 5 पीढ़ियों ने अपनी कमाई से इस दौलत को बढ़ाया ही है, इसमें से कभी कुछ निकाला नहीं। अब मैं चाहता हूं कि यह सारी दौलत तुम इस देश के बाहर ले जाओ, किसी बिजनेस में डाल दो। देश के बाहर क्यों पिताजी, अपने देश में क्यों नहीं? तुम इस देश में बिजनेस करोगे? जी हाँ पिताजी। बेटा, जहां आए दिन हड़ताल होती रहती है, लॉकआउट होते रहते हैं, एक मजदूर नारा लगाता है तो सारा शहर बंद हो जाता है, सालों साल मिले बंद रहती है। यहाँ बिजनेस करने का मतलब है खुदकुशी करना। लेकिन पिताजी सुनो, जब ये दौलत तुम मार्केट में ले जाओगे तो टैक्स वाले तुम्हारे पीछे मक्खियों की तरह भिंड बनाते रहेंगे। प्रॉपर्टी टैक्स, वेल्थ टैक्स, एस्टेट ड्यूटी टैक्स, ना जाने क्या क्या टैक्स लगते रहेंगे, और ये सारा खजाना सरकारी खजाने में चला जाएगा। तुम्हें अच्छा लगेगा पिताजी? देश की दौलत देश से बाहर ले जा। नहीं पिताजी, ये काम मुझसे नहीं होगा, ये काम आप रणवीर को दीजिए। नहीं रणवीर, रणवीर की आदत मैं अच्छी तरह जानता हूं, अय्याशी और जुए में 500 साल की जमा की दौलत 5 दिन में लुटा देगा। मुझे सिर्फ तुम पर ही भरोसा है। लेकिन पिताजी, एक अच्छे पढ़े लिखे शहरी होने के नाते इस देश का भी मुझ पर कोई भरोसा है, और यह भरोसा मैं नहीं तोड़ सकता। यानी यह आपकी सारी दौलत मैं देश के बाहर नहीं ले जा सकता, यह मेरा फर्ज है। फर्ज? जी हाँ। कैसा फर्ज? तुमने अब तक किया क्या? एक रुपया तो अपने हाथों से नहीं कमाया। क्यों पिताजी, क्या मैं अपनी मिले नहीं संभालता? अपने मिले हैं? जी हाँ। वो तुम्हारे मिले नहीं बेटा, वो मेरे मिले हैं। अगर तुम नहीं संभालते तो मैं एक मैनेजर रख देता। पिताजी, मजा तो इस बात का है, बिना अपने बाप के मदद के कुछ कर दिखाओ, देश के लिए नहीं सही अपने लिए कुछ कमाओ। फर्ज की बात है तब करना जब अपने बलबूते पर कुछ कर सको। ठीक है पिताजी, आज से मैं आपके साथ आपके घर में नहीं रहूंगा, कुछ करके दिखाऊंगा, कुछ बन के दिखाऊंगा। और उस दिन मैंने कसम खाई, जो भी करूंगा अपनी कमाई से करूंगा। खैर, जाओ इसे बैंक के लॉकर में जाके रख दो। सुनो, मैं बहुत तकदीर वाला हूं जो तुम जैसी पत्नी मुझे मिली। मम्मी डैडी। अरे पिटिया, मगर इतनी जल्दी कैसे आ गई स्कूल? जल्दी कहा डैडी, 3 बज गए। 3 बज गए? माय गॉड, जाओ दूध पी लो, जाओ भागो। अच्छा चलता हूँ मैं। सुनिए, कल अपने मुन्ने का नामकरण है। अच्छा? सुबह पंडित जी आने वाले हैं, आप सुबह का प्रोग्राम कहीं मत बनाइए। अरे कहीं नहीं जाएंगे, अपने बेटे का सुबह नाम रखने के बाद ही जाएंगे, और इसी खुशी में कल ही वर्करों में बोनस भी बांट देते हैं। अच्छा चलता हूँ। अरे रणवीर, तुम? प्रणाम। हाँ ठीक है, ठीक। घर में सब खैरियत तो है? भाई साहब, जिस घर में हिटलर जैसा बाप हो वहां खैरियत कैसे हो सकती है? हमारे पिताजी को बेटों की नहीं बल्कि नौकरों की जरूरत है, जो उनकी हर उल्टी सीधी आज्ञा का पालन कर सके। भाई साहब, इसलिए मैं भी घर छोड़कर आ गया हूँ। लेकिन रणवीर। सुनिए भाई साहब, अब तो आप ही मेरे पिता समान है, अगर आपने मुझे अपने कदमों में जगह ना दी तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहते। कम ऑन सिट डाउन, कम ऑन, कम ऑन सिट डाउन। और सब ठीक है ना? जी हाँ। गुड भाई साहब। हाँ, आपका कारोबार कैसे चल रहा है? नहीं रणवीर, कोई खास नहीं। क्यों भाई साहब? आओ। वो खान देख रहे हो, वो 3 नंबर की खान मेरी सबसे बड़ी खान है जो इस वक्त बंद है। क्यों? इंजीनियर्स का कहना है कि और खुदाई की तो ये खान किसी वक्त पे बैठ सकती है, लेकिन तुम बड़े वक्त पे आए हो। फूलचंद मुनीम हमेशा ठीक वक्त पर पहुंचता है सरकार। बैंक से रुपए ले आया हूँ। गुड मुनीम जी। जी। ये हमारे छोटे भाई हैं, रणवीर प्रताप सिंह। और रणवीर, जबकि तुम आ ही गए हो तो मैं वक्त जाया नहीं करना चाहता। आज शाम ही की गाड़ी से मैं कलकत्ता जाता हूँ नई खान खोदने की परमिशन के लिए। जी मुनीम जी। जी। हमारे पीछे सारा कारोबार ये देखेंगे। जी। इनका अच्छी तरह से ख्याल रखना। ठीक है।
और हाँ, ये बोनस के पैसे वर्करों में बांट दो। जी। वेल रणवीर, गुड लक भाई साहब। थैंक यू, सी यू। विराजिए सरकार, मैं बोनस के रूपए बांट कर आता हूँ। मुनीम जी, क्या नाम है तुम्हारा? फूलचंद। हाँ, फूलचंद जी। फूलचंद, तुम बड़े दिलचस्प और काम के आदमी लगते हो, लेकिन यहाँ से कुछ खाली लगते हो जी। तुम्हें मालूम नहीं कि मजदूरों को लंबे लंबे वादे दिए जाते हैं, रुपए नहीं। रुपए तो हमारे और तुम्हारे जैसे लोगों के लिए होते हैं। वाह, मालिक हो तो आपके जैसा। हुजूर, आपको तो किसी पार्टी का लीडर होना चाहिए ताकि मिनिस्टर बन जाए और देश के मजदूरों की समस्या को एकदम खत्म कर दे। ये 3 नंबर की जो खान है ना मालिक, इसमें नाना करते हुए कम से कम 15 से 20 लाख टन कोयला निकलेगा, लेकिन इंजीनियरों ने खतरा डिक्लेयर कर दिया, मालिक ने काम बंद कर दिया और मजदूर बेकार हो गए। नहीं समझे? समझ गया मालिक, आज्ञा हो तो खान खुलवा दूं। फूलचंद, मजदूरों को मालूम हो चुका कि खान में खतरा है, अगर किसी ने आवाज उठा दी तो आवाज बंद कर दी जाएगी। अरे जग्गू जी, आप तो जेल में थे ना? हाँ, मगर वहाँ दिल नहीं लगा इसलिए चला आया। क्या जेल तोड़ कर आए हो? जग्गू को कुछ तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती सेठ, उसका हाथ लगने से बड़े बड़े पत्थर अपने आप टूट जाते हैं। जेल की दीवारें क्या चीज है। जब तक मालिक जग्गू जी हमारे साथ है ना, हमें कोई कुछ नहीं बोल सकता। और जग्गू जी, ये मालिक के छोटे भाई है। सलाम। खान खोलने की सोच रहे हैं। खोल दो सेठ, 200-400 आदमी मर जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है, वो सब मैं संभाल लूंगा। हाँ, खान नहीं भी खुली तो ये सब लोग भूख से मर जाएंगे। गुलचंद, मजदूरों का क्या है जी? वो जमीन के अंदर मरे या जमीन के बाहर, कोई फर्क नहीं पड़ता। सत्य वचन है, मैं खान खुलवा देता हूँ। लेकिन फूलचंद, खान को पिछली तरह से खुलवाना, 3 का 13 कर दो, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। दीदी, 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 देख मैं तेरे लिए मेरे से क्या लाया हूँ। क्या बालिया, इतने पैसे कहाँ से आए तेरे पास? शिवा, इन्हें खरीदने के लिए 3 महीने से खर्ची जमा कर रहा हूँ, ला मैं पहना दूँ। अरे अरे शिवा बेटे, कब आया तू? अभी आया बापू, देख तेरी तस्वीर ले आया हूँ। मैं देखूं? मालिक के साथ खड़े बापू ऐसे लगते हैं जैसे कि छोटे मालिक हो। नहीं बेटे, मालिक मालिक है और मजदूर मजदूर। माधव, माधव, गिलास और पानी ले आओ, दारू का वक्त हो गया। आज यहाँ बैठकर पिएंगे। कोई गिलास पानी नहीं मिलेगा जग्गू, ये घर है, कोई शराबियों का अड्डा नहीं। अरे तू इतनी बड़ी हो गई, आज तो हम तुम्हारे ही हाथ से दारू पियेंगे। छोड़, बदमाश, मेरी गिरी को हाथ लगाता है। तेरी तो हराम ज़ादे, तुझे तो मैं उंगलियों में दबाकर मसल डालूंगा। इसे छोड़ दे जग्गू, इसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। अरे अरे जग्गू, जो खुशी के मौके में झगड़ा करता है, कल खान खुलने वाली है। कल 13 नंबर की खान खुलने वाली है, मालिक ने सबको काम पर बुलाया है। छोड़ दे जग्गू इसे, मैं तुझे दारू पिलाता हूँ, चल मेरे साथ। डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा। मुझे बहुत अफसोस है, इस बार भी हम बच्चे को नहीं बचा सके। नहीं! देखिए, काम जोर शोर से शुरू हो गया मालिक। 13 नंबर के खान खुल गई है, मुबारक हो। तुम्हें भी मालिक, ये बिलायती है। वैसे तो मैं कभी नहीं पीता, लेकिन आज खुशी का मौका है, सोचा कि थोड़ा सा चरना व्रत ले लूंगा। क्यों नहीं, तुम भी चरना व्रत पियो। बेटी, बेटी, बहुत बड़ा धोखा हो गया, उन्होंने पुरानी खान को खोल दिया है। तू जाके पुलिस को बुला ला, इधर से निकल। अच्छा? इधर से, मैं मालिक के पास जाता हूँ। मुनीम जी, अनर्थ हो गया, सैकड़ों आदमी दबकर मर गए। वो खान 13 नंबर की नहीं, 3 नंबर की थी, मैंने पुलिस को बुलाया है। मुनीम जी, ये खान किसके हुक्म से खोली गई थी? मुनीम जी बताइए, मुनीम जी आप बोलते क्यों नहीं, मालिक कहाँ है? यह है मालिक। मालिक? आप जगो। मालिक, आ!
क्या हुआ बाबा आपको? किसने मारा आपको बाबा? बताओ ना किसने मारा? मालिक बाबा, बाबा, बाबा! मालिक, दीदी, दीदी, दीदी! प्रताप सिंह, यस, आपके खान में 300 मजदूरों की जान चली गई। क्या कहा आपने? हाँ, उनके कत्ल के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन इस पर साहब, ये गलत है, झूठ है, मेरे सब खाने बंद है। हाँ, आपको जो कुछ कहना है अदालत में कहिए, चलिए मेरे साथ। मगर इस पर साहब, मैं मुनीम बोल रहा हूँ। मालकिन, मालिक बहुत मुसीबत में, मजदूरों ने उन्हें घेर रखा है। वो कलकत्ता से कब आए? अभी आए। मैं ऑफिस के पिछले दरवाजे से लेकर उन्हें बाहर आता हूँ। आप जल्दी से बच्चों को साथ में लेकर मेन रोड पर पहुँच जाइए, जल्दी। भाई साहब, आप तो सारी जिंदगी भर जेल में रहेंगे और भाभी की गाड़ी की ब्रेक्स नहीं लगेंगी, और मैं इस सारी जायदाद का अकेला वारिस। मम्मी, तुम कूद जाओ। नहीं मम्मी, ऐसे तुम जाओ। लेकिन तुम कान खोलकर सुन लो, अब की बार बच्चा जिंदा पैदा करना, और वो भी लड़का, कूद पड़ना किसी नदी में या चलती हुई रेलगाड़ी के नीचे सर दे देना, ताकि मैं किसी और के साथ शादी कर सकूं। लगता है ये तस्वीर इसके माँ बाप की है। अब इसके कोई माँ बाप नहीं है। कितनी खूबसूरत है, चलो उठा लो इसे। ये तो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगी। सुना बाबूजी आपने? भाई साहब ने तो हद कर दी। क्या नाम रोशन किया अपने खानदान का, और आप, आपको भी कितना गर्व था उनकी सच्चाई और स्वाभिमान पर। देखा कितने लालची निकले वो, सैकड़ों लोगों की जानें ले ली उन्होंने सिर्फ अपने फायदे के लिए, और अब कम से कम 20 साल की सजा होगी और खानदान की नाक अलग कटेगी। लेकिन लेकिन बाबूजी आप फिक्र मत कीजिए, मैं इस खानदान की हर जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाऊंगा। मैं भी आपका वारिस हूं ना, लेकिन आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि वो खजाना कहां है जो आपने भाई साहब को बताया था। बाबूजी मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं उस खजाने को 1 से 5 गुना ना बढ़ा दूंगा। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी क्या हुआ आपको? बाबूजी आप बोलते क्यों नहीं? नहीं बाबूजी, आप ऐसे नहीं जा सकते। रणधीर बेटे, मैं जानता हूं जिस जुर्म की सजा तुम काट रहे हो उसके जिम्मेदार तुम नहीं, तुम्हारा छोटा भाई है। तुम जब जेल से निकलोगे तो मैं जिंदा न होऊंगा, और तुम्हें जिंदगी दोबारा शुरू करने के लिए रुपयों की जरूरत होगी। इसलिए नक्शा भेज रहा हूं, इस पर तुम्हारे हक है, जैसे चाहो इस खजाने का इस्तेमाल करना।
इसे पहचानते हो? ये मेरी बहन की बाली है। इसे तो पहचानते ही होगे। जब मेरी बहन की लाश मिली थी तो ये उसकी मुट्ठी में बंद था। तुम्हारा ही है ना? मैं सालों से अपने अंदर तेरे लिए नफरत का जहर पाल रहा था। आज सब निकल जाएगा रे। तुझे जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करने का नाम है 1,00,000 रुपया, लेकिन मैं तुझे सरकार के हवाले जिंदा नहीं करूंगा। तेरे खून की एक एक बूंद मेरी बहन की मौत का कर्जदार है। आज मैं तेरा सारा कर्जा चुका दूंगा, तेरा सारा खून बहा दूंगा रे। अब सिर्फ एक कसम बाकी रह गई है, जिस दिन मालिक जेल से छूटेगा वो कसम भी पूरी कर लूंगा। दीवान साहब, कुछ रुपए देकर इस यूनियन लीडर का मुंह क्यों बंद कर देते? राय साहब, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन वो साला बहुत कड़क आदमी है, टूटता नहीं। मैं सोचता हूँ लॉकआउट डिक्लेयर कर दूं। बिल्कुल, इन लोगों का यही इलाज है। बाय द वे, अलका बेटी आ गई? ओह यस, कल रात को वापस आई है। मैं सोचता हूँ इस शुभ काम में अब देर नहीं करनी चाहिए। विल्सन, स्टॉप इट, ये सब क्या हो रहा है? क्या चाहिए तुम लोगों को? विक्रम बाबू, हमें हमारा हक चाहिए। महंगाई बहुत बढ़ गई है, हमें डबल महंगाई भत्ता चाहिए, हमें बोनस चाहिए, हमें घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, फोन चाहिए, फैन चाहिए, कुछ नहीं मिलेगा तो फिर आपको भी हमारी मजदूरी नहीं मिलेगी। ये मत भूलिए कि हमारे खून पसीने की बुनियाद पर आपके ये महल, आपकी ये फैक्ट्रियां कायम है। ये तुम्हारी गलतफहमी है। तुम्हारे काम बंद करने से हमारे ये महल, हमारी फैक्ट्रियां नहीं गिरेगी, बल्कि तुम लोग भूखे मर जाओगे। ये मत भूलो कि तुम लोगों को रोटी हम देते हैं। नहीं विक्रम बाबू, रोटी हमें हमारी मजदूरी देती है, हमारा परवरदिगार देता है। तो जाओ अपने परवरदिगार के पास जाओ और कर लो अपनी मांगे पूरी। अगर तुम लोग 7 दिन के अंदर अंदर काम पर नहीं आए तो मैं लॉकआउट डिक्लेयर कर दूंगा। दीवान साहब, क्या बेटा पाया आपने? पसंद आया? बहुत, A1। तो कहिए फिर मेरे इस होनहार बेटे के लिए दहेज में क्या देंगे? मंगनी में 1 मिल और शादी में 1 मिल। मंगनी में 1 मिल, शादी में 2। शादी में 2? ओह दीवान साहब, आप भी ओके, डन। दैट्स लाइक अ मैन। हेलो अंकल। जीत रहो बेटे। हाय डैड। हाय विकी माय सन, आई एम प्राउड ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। विकी जी, आज रात को क्या कर रहे हो? क्यों? अलका लंदन से वापस आ गई है, मैंने सोचा आज रात का खाना हम सब लोग इकट्ठे खाएं। ओह यस, व्हाई नॉट। अंकल क्या है कि आज जरा प्रॉब्लम है। क्या बेटे, क्या प्रॉब्लम है? डैडी, आज ऑल इंडिया विधवा समाज का फंक्शन है और मैं उसमें चीफ गेस्ट हूँ। दिल को प्यार की जरूरत है, दिलदार की जरूरत है। कौन है वो? हम हैं, हम हैं जाने मन। नहीं 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 नहीं, इस दिल की भी एक पसंद है।
अभी से ये हाँ, अरे ऐसा है मेरा बदन है छू जाए जो तन से तन है छू जाए जो तन से तन बढ़ जाए दिलों की धड़कन तो ही पल में दूर कर जाए तो फिर बचता नहीं ये रूप दे मेरे प्यार का ये रूप दे हो मेरे प्यार का ऐसा वैसा कोई मुझे जचता नहीं जच जाए तो फिर बचता नहीं ऐसा वैसा नहीं वैसा हर नहीं इसके जैसा हर नहीं जचता नहीं जचता नहीं जचता बहुत बहुत शुक्रिया आप मदद न करते तो आज जान और इज्जत दोनों खतरे में थी एक और मेहरबानी कर दीजिए बोलिए मुझे किसी टैक्सी स्टैंड से छोड़ दीजिए आप साथ होंगे तो कोई डर नहीं अरे टैक्सी क्यों मैं आपको घर तक छोड़ दूंगा अरे इन बदमाशों ने तो मजा ही खराब कर दिया चलिए पहले कहीं चलकर कॉफी पीते हैं लोगों के सामने ऐसे नहीं नहीं आप फिक्र मत कीजिए हम लोग कमरे में बैठेंगे मैं पास ही के होटल में रहता हूँ चलिए मुझे माफ कीजिए मैं अकेली आपके साथ नहीं जा सकती लेकिन क्यों माँ कहती थी मर्द की नीयत खराब होने में देर नहीं लगती देखिए आप मुझे गलत समझ रही हैं मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ मेरी नीयत शीशे की तरह साफ है सच बिल्कुल फिर भी जवान लड़की को जवान लड़की के ज्यादा नजदीक नहीं जाना चाहिए आग लग सकती है आग घबराइए नहीं मेरा होटल एयर कंडीशन है उसमें आग नहीं लगती और अगर आग लग भी गई तो मुझे हजार तरीके आते हैं आग बुझाने के चलिए चलिए वो बदमाश आ गए फिर से हंगामा हो जाएगा लेकिन अरे लेकिन मैं... कुछ नहीं चलिए ना ये होटल तो बहुत महंगा होगा खूबसूरत है या नहीं बहुत खूबसूरत है मुझे सिर्फ खूबसूरत चीजें ही पसंद है जी वैसे तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर है और ये होंठ जैसे कुछ मांग रहे हो जी जी हाँ काफी वाह क्या बिस्तर है बैठकर मजा आ गया गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग इधर आओ यस सर ये लो तुम्हारे लिए थैंक यू सर वाकई आपके बाल कितने अच्छे हैं और आपकी आंखें कितनी नशीली हैं इसलिए तो लड़कियां आप पर मरती हैं सच हाँ हाँ सच लेकिन ये क्या है ये शैंपेन डार्लिंग शैंपेन जब कोई अच्छा साथी मिल जाए तो इसे पीकर खुशियां मनाई जाती हैं लेकिन हर खुशी के बाद गम भी तो होता है ना मैं तुम्हारे सारे गम ले लूंगा और सारी खुशियां मुझे दे दोगे तुम जो चाहोगी मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा आप कितने अच्छे हैं इस रंगीन शाम के लिए मैं अपने हाथों से आपका जाम बना दूंगी रियली तुम्हारा पहले नहा लूं हाँ और मजा आएगा पी लो ना ये लो और ये भी मैं भी आई
अरे खर्च नहीं किए माँ, मेरा बटुआ उसने। बटुआ चोरी हो गया क्या? अरे नहीं माँ, चोरी नहीं हुई। अरे तेरी अंगूठी कहाँ गई और तेरी घड़ी? अरे वो सब ले गई। कौन ले गई? वो लड़की। नहीं नहीं, मेरा मतलब वो देवी। देवी? वो जोगन सन्यासन, काशी जी में मंदिर बनवाना चाहती। आ, क्या भजन कीर्तन करती है माँ, ऐसा लगा कि मीरा ने दोबारा जन्म लिया है। सच? हाँ माँ, मैं उसके भजन कीर्तन में इतना मस्त हो गया, कब अंगूठी घड़ी बटुआ उसकी झोली में डाल दिया मुझे पता ही नहीं चला। मैंने अच्छा काम किया ना माँ? बहुत अच्छा किया बेटा, मुझे भी उस देवी के दर्शन करा दे। आज शाम को खाने के लिए उसे घर ले। अरे नहीं नहीं माँ, वो भोजन नहीं करती, सन्यासन है ना, अनजल दोनों त्यागे हुए हैं। अच्छा। जल्दी से खाली जब की चिंता करो। हा? मैंने जिंदगी में पहली बार नेक काम किया है। ये ले चाबी, जितना चाहिए उतना ले ले। थैंक यू माँ। और हमेशा ऐसे नेक काम किया कर बेटा। अगर ये अब्दुल ना रहे तो? जी नहीं रहेगा हुजूर। तुम्हारी नजर में कोई आदमी है? जब तक आपकी नजर मुझ पर है, आदमियों की क्या कमी है दयालु। नहीं, ये काम आज ही हो जाना चाहिए। हो जाएगा सरकार। कृपालु, ये विलायती दारू है। हाँ मुनीम, ये विलायती दारू है और ये उससे भी अच्छी। समझ लीजिए सरकार, अब्दुल का कातिल मिल गया। अरे बड़ी देर कर दी शिवा, तेरी वजह से आज फिर मुझे अपनी बीबी से गालियां खानी पड़ेंगी। दो पाव बचा के रखे हैं तेरे लिए, गरम कर दूं? जल्दी से गरम कर दे यार, बड़ी भूख लगी है। ये ले शिवा। भूख लगी है। हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? भगवान। कहाँ रहता है? वो मंदिर के बाहर। वाह रे दुनिया, भगवान को भी मंदिर से बाहर निकाल दिया। आप भी खाओ ना। नहीं बेटा, जहाँ भगवान भूखा हो वहाँ इंसान को खाने का कोई हक नहीं। बचने का कोई चांस नहीं है मैडम, तरीका बिल्कुल करेक्ट है। सोचो मत, सोचोगी तो सोचते रह जाओगी और हिंदुस्तान की आबादी कम होते होते रह जाएगी। अरे वाह, इतने सारे जेवर।
इन्हें तो उतार दो, तुम्हारे साथ ऊपर तो जाएंगे नहीं, यहां किसी गरीब के काम आ जाएंगे। हा? देखो देवी जी, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूं, और अगर कोई आली मवाली होता ना तो दो थप्पड़ मारकर और सारे गहने उतारकर तुम्हें ऐसा धक्का दे देता। मगर अपन ने लाइफ में इतने धक्के खाए हैं कि किसी को धक्का देने का जी ही नहीं चाहता। मगर तुम अपना खुदकुशी का इरादा मत बदलना, रहने दो जेवर जिस्म पे और लो राम का नाम और लगा दो छलांग। फिर सोच रही हो? अरे भाई, दुनिया के सारे गमों से छुटकारा मिल जाएगा। तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। अरे वाह, देखो वो ट्रेन आ रही है, चलो जल्दी करो, छलांग लगा, फास्ट, 1 2 3, हिम्मत करो। हाँ शाबाश। देखो ये खुदकुशी वगैरह जो होती है ना, सिर्फ जोश में होती है, होश में नहीं। अगर तुमको मरना ही है तो रोज रोज शिवा तुम्हें रोकने नहीं आएगा। कल मर जाना, परसों मर जाना, इन गाड़ियों क्या है, ये तो सारी रोज चलती हैं। वैसे तुम्हें तकलीफ क्या है, तुम मरना क्यों चाहती हो? तुम्हें क्या मालूम मेरी क्या मजबूरी है? होंगी मजबूरियां, सबकी होती हैं, लेकिन अगर मजबूरी से मरना चाहती हो तो मजबूरी से जीना भी सीखो। देखो हम ठहरे फकीर आदमी, इंसानी फर्ज के नाते तुम्हें उठाकर यहां लाए हैं। तुम्हारा जो दुख है वो तो हम नहीं बांट सकते, लेकिन रोने वाले को अगर कंधा मिल जाए तो दुख जरूर हल्के हो जाते हैं। अगर तुम्हारे इस दुनिया में कोई नहीं है तो जिंदगी भर हम तुम्हारा साथ दे सकते हैं और देंगे। नाम क्या है तुम्हारा? चांदनी। आहा, तभी साली इस खोली में ठंडी ठंडी रोशनी आने लगी। देखो चांदनी, हम जो कहते हैं दिल से कहते हैं और सच कहते हैं। अगर तुम चाहो तो हमेशा के लिए रह सकती हो। तुम मुझे सहारा दोगे? हाँ। नहीं नहीं, कल अगर तुम्हें पता चल गया कि मैं कौन हूं, फिर भी मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं भी इस दुनिया में बिल्कुल अकेला हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा सारी जिंदगी भर। दोगी? रात बहुत हो गई है, सो जाओ। जय गंगे, हर हर गंगे। मेरे ख्याल मेरे सामने शिवा है। तुम शिवा के सामने हो? कुछ रुपए लाया हूँ चंदन लगा के। अपने हैं दूसरे के? काम दूसरे का है, रुपए तुम्हारे हैं। काम? एक छोटा सा खून। काम? 20,000 रुपए, लेकिन खून आज रात को ही हो जाना चाहिए। शिवा जब खून करने निकलता है तो वो आदमी अगले दिन की सुबह नहीं देखता। नाम क्या है उसका? अब्दुल। काम क्या करता है? मजदूरों का लीडर है। वारे मजदूर, क्या तकदीर है तेरी। सेठ तेरी मौत के 20,000 दे देगा, तेरी मजदूरी के 20 रुपए नहीं देगा। अब ओए, उठाए अपना माल और अपने सेठ से कह देना कि शिवा गरीबी का खून करता है, गरीब का नहीं। सोच लो शिवा, अब्दुल का खून तो आज रात ही होगा, तुम नहीं करोगे तो कोई दूसरा करेगा। तेरे हाथ से 20,000 गए, सोच लो भैया। आ,
उठ बे मोटे, उठ। चल केबिन नीचे उतार, उतार, उतार। अपने मालिक को शिवा का ये पैगाम दे देना, अब्दुल पे दोबारा हमला नहीं होगा। चांदनी, चांदनी, अरे
मैं उसी के संग चलूंगी, हाँ उसी के रंग रंगूंगी, हाँ फिर जो वो नाले सो होले होले, मैं मस्तानी दिल जानी कुछ पायल वाली बोले, छम छम पायल वाली बोले, जिसने माँ का दूध पिया हो घुंघटो मारो खोले, घुंघटो मारो खोले, उसी के संग चलूंगी, हाँ उसी के रंग रंगूंगी, हाँ फिर जो वो नाले सो होले होले। अरे देखते क्या हो, उठाकर बाहर फेंक दी इसे। तो ये थी तुम्हारी मजबूरी। अपनी तो मजबूरी थी भी और है भी, लेकिन तुम यहाँ कौन सा फर्ज निभाने आए हो? मैं उस साथ निभाने वाली से मिलने आया हूँ जो एक रात भी अपनी बात ना निभा पाई। वजह? उस मौत चाहने वाली से जिंदा रहने की वजह पूछ रहे हैं? चांदनी, मैं तुझे नई जिंदगी देने के लिए घर लाया था। तुम क्या किसी को जिंदगी दोगे, तुम तो जिंदगी लेना जानते हो। मैं एक नरक से निकलकर दूसरे नरक में कैसे चले जाऊं? चांदनी, तू चाहती क्या है? अपनी चाह तो अब इस जन्म में क्या पूरी होगी, लेकिन ये सच है, मैंने उस वक्त तुम्हें अपनी तकदीर का साथी जरूर मान लिया था। हाँ, अगर तुम चाहते हो मैं ये जिंदगी छोड़ दूं, तो तुम्हें चाकू हमेशा के लिए छोड़ना होगा। चाकू मैंने कसम पूरी करने के लिए पकड़ा है चांदनी, और कसम पूरी होने में थोड़ा वक्त लग सकता है। मैं उस वक्त तक तुम्हारा इंतजार करूंगी। अरे बाप रे, इसके तो जेवर ही लाख रुपए से ज्यादा होंगे, कोई जोरदार चक्कर फिट करना होगा। ये तो मेरा मंगलसूत्र है। सुहागन के लिए सुहाग ही भगवान है माता। हाँ हाँ, लेकिन ये आपके पास कैसे आया? हम सन्यासी ये कौन क्यों कैसे के चक्कर में नहीं पड़ते, जो हो रहा है ओम की कृपा से। तुम्हारे मंगलसूत्र को हमारे पास भेजने का मतलब है भगवान ने हमें तुम्हारे मंगल के लिए भेजा है। आप कहाँ से आई हैं? काशी से? हाँ, पिछली पूर्णमासी से। आप वही तो नहीं जिन्होंने अंजल त्यागा हुआ है? जब स्वयं को त्याग दिया तो अंजल क्या चीज है माता। आप काशी में मंदिर बनवा रही है ना? ओम, भक्त इस नेक काम में साथ देंगे तो मंदिर बन ही जाएगा। फिर तो मैं समझ गई आप कौन है। आप मेरे साथ चलिए। कहाँ? हमारे घर। आस पड़ोस की बहुत सी औरतें होंगी, मंदिर के लिए बहुत सा चंदा इकट्ठा हो जाएगा। आज हमारे यहाँ सत्संग भी है। सत्संग है? हाँ। तो हम जरूर आपके संग चलेंगे। बहनों, ये मंदिर बनवाने के लिए चंदा इकट्ठा करने काशी जी से आई हैं। मैंने इन्हें आस दिलाई है कि हम सब दिल खोलकर इस नेक काम के लिए इन्हें दान देंगे। हम आपकी सारी आशाएं पूरी कर देंगे। आप हमारी आशा पूरी कर दीजिए। क्या? एक भजन सुना दीजिए। सुनिए, मुझे भजन नहीं आता। हमें निराश मत कीजिए, हमने तो सुना है आपके गले में साक्षात सरस्वती है। मेरे गले में? मैं तो अपनी बीमार बच्ची को छोड़ के आपका भजन सुनने आई हूँ। सुनाइए सुनाइए सुनाइए। शुरू कीजिए। आज तो बुरी तरह फंस गई निशा, अब क्या करूँ?
वही सुना दे, आज मेरी लाज रख लो गिरधारी। प्रभु की लीला अपरंपार है, ये राधा और कृष्ण का प्यार है। एक रात जब कृष्ण दबे दबे पांव छोड़ के गोकुल गांव जा रहे थे, तो राधा ने रास्ता रोक कहा, जाने न दूंगी। क्या कहा? जाने न दूंगी। मैं जाने नहीं दूंगी। तो कृष्ण फंसे, वो हंसे, फिर बोले, मैं सारे जगत का हूँ, सिर्फ तुम्हारा ही नहीं। तो राधा ने कहा, तुम सिर्फ मेरे हो, मैंने तुम्हारे लिए घर बार छोड़ा, संसार छोड़ा। मैं अगर तुम्हारे प्यार में मर सकती हूँ, तो तुम भी मेरे प्यार से बच नहीं सकते। तो कृष्ण ने कहा, मुझ में ऐसी क्या बात है? तो राधा बोली, ऐसा वैसा कोई मुझको जचता नहीं, ऐसा वैसा कोई मुझको जचता नहीं, जच जाए तो फिर वो तो बचता नहीं। आपने यहाँ आकर हमारा घर पवित्र कर दिया। अच्छा बहनों, मैं चलती हूँ। नमस्ते। जय हो देवी जी, जय हो। कर दिया ना सबका कल्याण,
बेटा ये तो मंदिर बनवाने के लिए चंदा है, हम लोगों ने दिया है। जानता हूँ माँ, मैंने भी इस नेक काम के लिए इन्हें बहुत चंदा दिया है। आप पैदल कैसे जा सकती हैं? चलिए मैं आपको गाड़ी में छोड़ देता हूँ। नहीं क्यों, हमारा कोई घर नहीं, हम तो आश्रमवासी हैं। तो क्या हुआ, मैं आपको आश्रम तक छोड़ दूंगा। माँ इन्हें कहो ना कि मुझे सेवा करने का मौका दे। हाँ हाँ हाँ, बच्चे का दिल रख लीजिए। गाड़ी में जाना है या जेल में? अच्छा माँ जी, आप कहती हैं तो मैं इन्हीं के साथ चली जाती हूँ। आपकी बेटी का दिल नहीं तोड़ना चाहती। अच्छा चलिए आइए, मैं इन्हें आश्रम छोड़ाता हूँ। आइए जोगन जी, आइए। अरे आइए ना, बहुत जोक कर लिया आपने, अब जरा भूख का भी आनंद ले लीजिए। देखो बिल्कुल एकांत है, शांति ही शांति, यहां जरा जमकर भजन कीर्तन करेंगे। क्यों? सुनो, हम आपस में फैसला कर लेते हैं, इसमें से आधा माल तुम रख लो। आज तो सारा माल मेरा है, तुम मुझे जज गई हो, और जो जज जाए वो बचता नहीं। बहुत माल खा चुकी हो मेरा। देखो मैं एक सन्यासन हूँ। इस सन्यासन के सारे आसन मैं देख चुका हूँ। आज तुम्हें नहाना भी होगा तो मैं तुम्हें बाथरूम में जाने नहीं दूंगा, तू मेरे सामने नहाओगी। अरे सामने क्यों, चलो दोनों साथ नहा लेते। एक मासूम लड़की के साथ जबरदस्ती करोगे तो तुम्हें पाप लगेगा। अरे लगने दो जो लगता है, मुझे सब धोना आता है। छोड़, छोड़ मत मुझे। आज तुम बचकर नहीं जा। अच्छा तो ये बात है, मैं समझ गया, तुम आंखें बंद करके भजन गाने वाली सन्यासन नहीं हो, तुम्हें उछल कूद भगम दौड़ अच्छा लगता है ना? भागो, देखता हूं तुम कहां भागती हो। खबरदार, दूर रहो मुझसे। अरे यहाँ दूर रहने की जगह ही कहाँ है? रुक जाओ, मत आओ मेरे पास। चिल्लाओ और चिल्लाओ। लगता है मुझे बचाओ, ये मेरी इज्जत लेना चाहता है। अरे इसने मेरा क्या क्या लिया है, पूछो इस चोर से। सुनो, अगर तुम्हारा पेट भरा हुआ हो और उसके बाद भी तुम्हारी 10-20 रोटियां हो और उसमें से मैं एक आधी रोटी ले लूं अपना पेट भरने के लिए, तो क्या तुम मुझे चोर कहोगे? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो साथ में 2 रोटियां बोनस के तौर पर और दे दूंगा। वाह, सुना, इसके बाप के पास ढेर सारा रुपया है, मैंने तो सिर्फ एक छोटी सी अंगूठी और एक घड़ी ली, तो ये मुझे यहाँ ले आया और जबरदस्ती करने की कोशिश की। ये तुम्हारे साथ जबरदस्ती करना है? जी हाँ। घबराओ मत, शिवा के होते हुए तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। ए मिस्टर, क्या नाम बताया आपने? शिवा। शिवा, ये आपस का मामला है, अगर आप बीच में ना है तो अच्छा है। भाई साहब मैं बीच में कहाँ आया हूँ, मुझे तो ये गुलदस्ता ले आया है। ये गुलदस्ता आपको लेकर नहीं आया, ये तो मुझे मारने के लिए फेंका था। आप आगे, ओहो, फिर तो भाई बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। आपका निशाना इतना कमजोर है, अजीए लीजिए और दोबारा कोशिश कीजिए। जी? दोबारा कोशिश कीजिए। ए मिस्टर, <मिस्टर, laughs> सेठ जी, मैं रामदास दलाल बोल रहा हूँ। बहुत गड़बड़ हो गई, बाजार में शेयर का भाव एकदम गिर गया, आपको कम से कम 50 लाख का घाटा होगा। पिछले 20 साल से नुकसान ही नुकसान हो रहा है और अब तो शेयर का भाव एकदम गिर गया। मालिक 50 लाख का नुकसान, इतने रुपयों का इंतजाम कैसे होगा? हड़ताल की वजह से मिल भी नहीं बेच सकते और अगर 2 दिन के बाद भुगतान न किया तो शायद जेल की हवा भी खा। Shut up and get out! अब सिर्फ एक ही रास्ता है, बॉब। Thank you.
दीवान रणवीर सिंह. What a pleasant surprise. Bob, मुझे तुम्हारे साथ कुछ जरूरी काम है. Excuse me for a moment. बैठो. Thank you. मैं एक काम खत्म कर दूं. Okay. मुझसे रुपयों का इंतजाम नहीं हो सका. बॉब, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं. नो सुंदरलाल, तुम खुद नहीं आए, जबरदस्ती लाए गए हो. मुझे थोड़ी मोहलत और दे दो. नहीं, तुमने दो बार बॉब से वादा किया और दोनों बार पूरा नहीं किया. छोटू, और बॉब तीसरा चांस नहीं देता. Oh, relax, Ranveer, relax. Sit down. बैठो. तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? बोलो. Bob, I need 50 lakhs. 50 lakh cash चाहिए मुझे. तुम्हें रुपये चाहिए? तुम्हारे बाप के पास तो करोड़ों थे. थे नहीं, है, अब भी है. लेकिन वो करोड़ों भाई साहब के आने के बाद मिलेंगे और भाई साहब को आने में अभी दो महीने और हैं और मैं इंतजार नहीं कर सकता. बॉब, मुझे तीन महीने के लिए 50 लाख रुपए दे दो. जो भी इंटरेस्ट होगा मैं तुम्हें दे दूंगा. तुमको कौन मना कर सकता है? शाम को रुपये तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे. ओह बॉब, थैंक यू वेरी मच. यू बीन रियली वेरी काइंड. आई विल सी यू. ठीक है, दैट्स ओके. हबीब, इधर आओ. यस सर. कुछ गड़बड़ जरूर है. तुम दीवान रणवीर के घर ड्राइवर की नौकरी करोगे और उसके बारे में सब खबर हमें दोगे. ओके सर. नमस्ते राय साहब. नमस्ते. नमस्ते बहन जी. जीती रहो बेटी. सचमुच चांद का टुकड़ा है. आइए ना, आप बैठिए, मैं चाय का बोल कर आती हूँ. बैठिए. आओ बेटी. पापा, आपने बा, 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 बता दिया है ना? बेटी, इसमें बताने की कौन सी बात है कि तुम हकलाती हो? आखिर मैं उन्हें दहेज में ये तीन मिले किस लिए दे रहा हूँ? आपको तीन तीन मिलों की पड़ी है. मेरे दिल की कोई परवाह नहीं. विकी, शट अप. बिजनेसमैन के लिए दिल की कोई वैल्यू नहीं होती. मैं राय साहब को प्रॉमिस कर चुका हूँ. मुझे मजबूर मत कीजिए डैड, मैं अभी शादी नहीं करूंगा. विकी, ये मेरी इज्जत का सवाल है और ये मेरी जिंदगी का सवाल है. मैं अभी जाकर साफ साफ इनकार कर देता हूँ. विकी, बेटे चिंता करने की बात नहीं. हाँ विकी, मेरी बेटी अलका. ओह राय साहब. हेलो दीवान साहब. विकी. ओह नमस्ते. बेटे इनकार कर दूं? नहीं रे, इसमें इनकार करने की क्या बात है? आपकी इज्जत का सवाल है, भला मैं कैसे बात चल सकता हूं? बेटा, तुम्हें रिश्ता मंजूर है? जी. गॉड, तो फिर देर किस बात की? हाँ, अगले महीने के 25 तारीख को सगाई के लिए अच्छा मुहूर्त है. मां, 25 तारीख तो इस महीने में भी आएगी? हाँ, इस महीने भी आएगी. यहाँ बहुत गर्मी है, चलिए ना गार्डन में बैठते हैं. विथ योर परमिशन. ओह श्योर श्योर, आइए ना. चलो बेटी. आइए बैठिए. भाई राय साहब के लिए चाय बनाओ. लीजिए राय साहब, मुंह मीठा कीजिए. दोपहर तक ये फूल बिल्कुल मुरझा चुके थे, आपको देखकर फिर से खिल उठे. जानती है क्यों? चमन तुमसे इबारत है, बहारें तुमसे जिंदा हैं. तुम्हारे सामने फूलों से मुरझाया नहीं जाता. आप मुस्कुराती हैं तो ऐसा लगता है जब बहारों ने ना पाया कोई भी अपना मकाम, तेरे होठों के तबस्सुम से लिपट कर सो गई. ओहो, इस खामोशी की आग में कब तक जलाएंगे हमें? देखिए, 25 को सगाई हो जाएगी और 26 27 को शादी कर लेंगे, लेकिन शादी के बाद हनीमून के लिए कहां चलेंगी आप? सिलोन अच्छी जगह नहीं है, दूसरी जगह बताइए. सिंगापुर.
शिखो मत, मैं हूँ। क्या तुम फिर से जबरदस्ती करने आए हो? अरे नहीं, प्रार्थना करने आया हूँ, रिक्वेस्ट। तुम मेरा काम कर दो। मैं कुछ नहीं करूंगी और ना ही तुम्हें कुछ करने दूंगी। तुम निकल जाओ यहाँ से। अरे तुम मेरी हालत नहीं जानती। दुनिया में सिर्फ तुम हो जो मेरी परेशानी दूर कर सकती हो। तुम मुझसे सगाई कर लो। क्या? आई मीन तुम्हारी मेरी सगाई हो चुकी है। मैं तुम्हारे इरादे अच्छी तरह समझती हूँ। झूठे वादे करके तो मुझे फंसाना चाहते हो? अरे बाबा, फंसा हुआ तो मैं हूँ, तुम चाहो तो मुझे निकाल सकती हो। ना बाबा, ये फंसाना निकालना मुझे कुछ नहीं आता, प्लीज निकल जाओ यहाँ। अरे तुम मेरी बात तो सुनो। देखो, कल एक लड़की के साथ मेरी सगाई होने वाली है, जो सगाई मैं करना नहीं चाहता। तो तुम मेरी मदद कर सकती हो? तुम एक जरा सा झूठ बोल दोगी, जो तुम्हारी आदत है, तो मेरा मतलब मेरी जान बच जाएगी। अच्छा, तो तुम बचना चाहते हो? जी हाँ। और तुम्हें महंगी चीजों का शौक भी है? समझ गया, ये लो। क्या करना होगा मुझे? तुम्हें सबके सामने ये कहना है कि तुम्हारी सगाई मुझसे हो चुकी है। कब, कहाँ? लंदन में। तुम्हारा मतलब है तुम मुझे लंदन ले जाओगे? नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि तुम मुझे लंदन में मिली थी, हमारी सगाई लंदन में हो चुकी थी और अब तुम लंदन से वापस आ गई हो। सगाई में तुमने मुझे अंगूठी तो दी थी? सगाई में मैंने तुम्हें अंगूठी भी दी थी। ये असली है? जी हाँ, ये असली है। और जो तुमने पहले मारी थी वो भी असली थी। मालूम है, थैंक यू। यू वेलकम। अब तुम ध्यान से सुनो, तुम्हें करना क्या होगा। जब मैं अंगूठी उस लड़की को पहनाने लगूं तो तुम चीख कर कहोगी, नहीं, ये सगाई हो नहीं सकती, ये धोखा है, फरेब है। बस बस बस, मैं समझ गई। और जब सब पूछेंगे क्यों नहीं हो सकती, उसका जवाब भी मुझे पता है। सिर्फ इतना बता दो, सगाई है कहाँ? कल शाम को हमारे जू वाले बंगले में। दीवान साहब, वादे के मुताबिक मैंने अपनी जुगुश्री मिल आपके नाम कर दी। ठीक समय पर आ गई। ये बच्चे किसके हैं? सब अपने हैं। क्या? मेरा मतलब है सब अपने मोहल्ले के हैं। वेट जरा, आओ यहाँ, ये लो, खाओ पियो और ऐश करो, अपना घर है ना? हाँ हाँ, अपना घर है, ऐश करो, जाओ। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोग तो जानते ही हैं कि मेरे बेटे विक्रम की सगाई राय साहब की इकलौती बेटी अलका से होने वाली थी, और अब मुहूर्त की वो शुभ घड़ी आ पहुंची है जबकि ये दोनों एक दूसरे के हाथ में सगाई की अंगूठी पहनाकर ये रस्म पूरी करेंगे। गिव देम अ बिग हैंड। थैंक यू, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन्हें आशीर्वाद देने के लिए थोड़े करीब आ जाइए, प्लीज। थैंक यू। लो बेटा, ये अंगूठी पहना। आओ बेटे। बेटे, सगाई पर इतने नर्वस हो रहे हो? जी नहीं। पहनाओ बेटे। शर्माओ नहीं बेटे, पहना दो। बेटे क्यों नहीं हो सकती? पिताजी, ये धोखा है, फरेब है, मेरी सगाई हो चुकी है। क्या बकते हो, ऐसे हो चुकी है? पिताजी, मेरी सगाई इस लड़की से हो चुकी है, पूछ लीजिए इससे। दीवान साहब, क्या तमाश है ये? कौन हो तुम और मेरे बेटे के साथ तुम्हारा क्या वास्ता है? कोई वास्ता नहीं। अरे डरने की कोई बात नहीं, जब बात सबके सामने खुल गई है तो पूरी तरह खोल दो ना। कौन सी बात? तुम्हारी मेरी सगाई की। सगाई? हाँ, जो 6 महीने पहले लंदन में हुई थी। लंदन?
मैं तो कभी चिंचपोकरी से आगे नहीं गई हूँ, तुम खामखा मेरे गले पड़ रहे हो। हाँ देखो ये मजाक का वक्त नहीं है और मैं इन लोगों को धोखे में नहीं रखना चाहता। दिखा दो ना वो अंगूठी जो मैंने तुम्हें सगाई के मौके पर दी थी। देखिए पिताजी। विक्रम होश में आओ। I'm sorry young lady। आपको सगाई मुबारक हो, मैं चलती हूँ। तू कहाँ जाएगी? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं आज। बहुत मजाक हो चुका, चलो सगाई की रस्म पूरी करो। चलो चलो बेटे, ज्यादा मजाक अच्छा नहीं होता। चलो राय साहब बहुत शरारती हो गया ये। कोई बात नहीं, बच्चे ऐसे ही करते हैं। Congratulations, good boy. Give him a big hand. बधाई हो हुजूर। उधर विक्रम साहब की सगाई हुई, इधर फूलचंद आपके लिए शुभ अति शुभ समाचार लेकर आए। काम की बात करो मनीम। वही तो मैं कह रहा था सरकार, आपके बड़े भाई साहब जेल से छूट रहे हैं परसों सुबह। वक्त बहुत कम है मुनीम, तुम फौरन एक अच्छी सी लड़की का इंतजाम करो। हो जाएगा सरकार, लेकिन इस उम्र में लड़की का मैं क्या करूंगा? तुम नहीं इडियट जी, तुम जानते हो भाई साहब जेल में सिर्फ एक ही उम्मीद पर इतने साल जिंदा रहे जी, कि उनकी बेटी जिंदा है। और अब जब वो जेल से बाहर आएंगे तो उनकी बेटी मिलनी चाहिए ना। वही तो मैं कह रही था सरकार, जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन बेटी करेगी क्या? बेटी को कैंसर होगा। कैंसर? हाँ मुनीम, इतने सालों के बाद पाई हुई बेटी के इलाज के लिए भाई साहब बड़े से बड़े डॉक्टर को बुलाएंगे जी, यहाँ तक कि वो अमेरिका भी जाएंगे। और अमेरिका पहुंचने के लिए भाई साहब को रुपयों की सख्त जरूरत पड़ेगी, और रुपया पाने के लिए भाई साहब को हमारे खानदानी खजाने तक पहुंचना पड़ेगा। रुपयों की चिंता मत करो हीरा भाई, मैं तुम्हारे रेट से 200-400 रुपए ज्यादा ही। हे मुनीम, तुम मेरे रेट की बात कर रहे हो? अब क्यों फूलचंद को कुएं में घसीट रही हो? दरअसल मैं चांदनी की बात कर रहा था, बिना चमके और माल ठनके, पुण्य का काम भी है। पुण्य के काम के लिए पाप की गली में आना ही पड़ा, क्यों? अच्छा कहो क्या करना होगा? दरअसल एक बूढ़ा बाप कई दिनों के बाद जेल से छूटकर आ रहा है, उसकी बेटी है और नहीं भी है। मैं समझी नहीं। बाप को यकीन है कि उसकी बेटी जिंदा है, जबकि बेटी जिंदा नहीं है। अब अगर उसे ये पता चल जाए कि उसकी बेटी जिंदा नहीं है तो क्या होगा? अरे रे रे रे, बेचारे के सारे अरमान अधूरे रह जाएंगे, सारी उम्मीदें टूट जाएंगी। यही तो मैं कह रहा था कि उम्मीद टूटी और सांस छूटी। उसकी जान बचाने के लिए चांदनी को 2-3 दिन उसकी बेटी बन के रहना पड़ेगा, धीरे धीरे बता देंगे कि उसकी बेटी नहीं है। इतना सा काम है। हाँ मुनीम जी। जी आपका काम हो जाएगा। अरे वाह चांदनी, तुम रात दिन साल के 365 दिन तक चमकती रहो। ये लो एडवांस। मेरे साथ की गई तेरी उस बेइंसाफी को आज तेरा ही नाम लेकर मैं इंसाफ करने जा रहा हूं। खून का बदला खून। मालिक। अरे अरे मुनीम जी, ये क्या कर रहे हो? रहने भी दीजिए। मालिक आप तो भगवान राम के दूसरे रूप हैं। मुनीम जी, मेरी बेटी कहाँ है? आप तो जानते हैं सरकार, मैंने आपकी बेटी को ये नहीं बताया कि आप जेल में हैं, इसलिए साथ नहीं लाया। चलिए अब 10 मिनट के बाद गाड़ी है। हाँ। चलिए। अच्छा जेलर साहब, अब विदाई तो, कोई भूल हो गई हो तो क्षमा कीजिए। ऐसी कोई बात नहीं, मुझे तो अफसोस है कि आप जैसे शरीफ आदमी को यहाँ आना पड़ा। मैं स्टेशन की तरफ जा रहा हूँ, चलिए आपको छोड़। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए ना बिटिया रानी, तुम्हारे पिताजी। बेटी तुम्हारे पिताजी। हाँ आओ बेटी। बेटी बेटी तुम मुझे मिल गई, मुझे नया जन्म मिल गया, जिंदगी के बीते 20 साल मुझे वापस मिल गए। बेटी
तकदीर ने पांव में जंजीर डाल दी थी मेरे, जो मैं तुम तक नहीं पहुंच सका। लेकिन लेकिन बेटी, अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। मैं आपके लिए चाय लाती हूं। मुनीम जी, भगवान बहुत निर्दयी है, सरकार बहुत सालिम है। ये क्या कह रहे हो मुनीम? कहने को रह क्या गया मालिक, सब खत्म हो गया। आखिर मैं गरीब मुनीम कर ही क्या सकता था? मगर हुआ क्या है मालिक? आपकी बेटी को कैंसर है। कैंसर? कैंसर? हाँ। नहीं नहीं मुनीम, नहीं। हाँ, डॉक्टरों ने कहा कि वो 3 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रहेगी। विजया को कैंसर, सिर्फ 3 महीने? मैं, भगवान इतना बड़ा अन्याय नहीं कर सकता मुझ पर। इतने सालों बाद मेरी बेटी मुझे मिली और मुझसे। नहीं मुनीम, मैं मेरी बेटी को मरने नहीं दूंगा। मैं उसका इलाज कराऊंगा, उसे अमेरिका ले जाऊंगा, लेकिन उसे मैं मरने मैं मेरी बेटी को मरने नहीं दूंगा। बड़े से बड़े डॉक्टर से इलाज कराऊंगा, लेकिन बिटिया को मरने नहीं दूंगा। लेकिन सरकार, बिटिया के इलाज के लिए इतना रुपया आएगा कहां से? बहुत सारा रुपया आएगा मुनीम। मुनीम, मेरे लिए एक कार का इंतजाम कर दो। कार का इंतजाम हो जाएगा, लेकिन सरकार, बिटिया रानी को ये पता नहीं चलना चाहिए बीमारी के बारे में। डॉक्टरों ने मना किया है। चाय? हाँ बेटे, चाय। क्या देख रहे हैं? आज जिंदगी में पहली बार अपने बेटे के हाथ से चाय पी रहा हूं। अरे अरे, तू खड़े क्यों है? आओ यहां बैठो। बैठो बेटी। बेटी तू अब सिर्फ आराम करेगी, कोई काम नहीं करेगी। लेकिन मैं सब इंतजाम कर दूंगा। बहुत दुख सहे तूने बेटी। चाय। शाबाश मुनीम, ये तुम्हारे लिए। सरकार, डॉक्टरों ने कहा है कि वो 3 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रहेगी। 3 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रहेगी। संकट सारे दूर करे, तू जगदम्बे माँ, तेरी शरण में आया जो उसे पार उतारे माँ, तू पार उतारे तो मेरे बचपन की तस्वीर है। ये मेरी मां, मेरे पिताजी। क्या ये मेरे पिताजी हैं? पिताजी, पिताजी, मुनीम जी, मुनीम जी, वो कहाँ है?
कौन? मेरे पिताजी। देखिए वो सचमुच मेरे पिताजी हैं और मैं उनकी बेटी हूँ। आप बोलते कि नहीं, कहाँ वो? अभी आ जाएंगे, घबराओ मत। लेकिन गए कहाँ? पिताजी, पिताजी, तेरे रूप हजार। किसी नाम से कोई पुकारे, सबको उतारे पार माँ तू, सबको उतारे पार माँ तू, सबको उतारे पार माँ तू, सबको उतारे पार। Thank you.
नीलम जी, ये कैसे कह देना, मैं दो दिन में आ जाऊंगा। विश्वास करो मौसी, ये देखो वो सचमुच मेरे पिताजी हैं, मेरी तस्वीर है उनके साथ। अरे छोड़, मैं कहती हूँ जब तक हीरा भाई जिंदा है, ना तू किसी की बेटी और ना तेरा कोई बाप। इस कोटे पे सिर्फ एक ही रिश्ता है, वो है रुपया। और अगर तेरा कोई बाप है तो वो यहाँ आएगा, तुम्हारी कीमत चुकाएगा और फिर तुम्हें यहाँ से लेके जाएगा, समझे? हीरा भाई छोड़ दो इसे। शिवा मुझे बचा लो, मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना। चांदनी, चांदनी मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने ही आया हूँ, आज मेरी कसम पूरी हो गई है। सच शिवा? तुम्हें मालूम है मैं भी एक शरीफ घराने की बेटी हूँ, मुझे मेरे पिताजी मिल गए हैं। तुम्हारे पिताजी? जख्म बहुत गहरा है, खून बहुत बह गया है, इनका फौरन ऑपरेशन होना चाहिए। तुम अपने पिताजी को इसी वक्त अस्पताल ले जाओ। जी क्यों? डॉक्टर साहब ये मेरे पिता नहीं है, मैं तो इन्हें जानती भी नहीं। ये समुद्र के किनारे बेहोश पड़े थे और मैं इन्हें घर ले आई। तो फिर उन्हें यहाँ लाकर तुमने अच्छा नहीं किया। हो सकता है ये कोई पुलिस केस हो, और फिर इनके बचने की उम्मीद भी बहुत कम है। मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लो, मेरी भी एक बेटी है बिल्कुल तुम्हारी जैसी। अगर मुझे कुछ हो गया तो उसकी जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी।
भगवान के लिए मुझे बचाओ बेटी, तुम्हारा यह एहसान मैं कभी बेटी बचाओ मुझे बचाओ बचाओ डॉक्टर साहब, ऑपरेशन पर कितना खर्चा होगा? यही कोई 5,000 रुपए। 5,000? ठीक है, आप इन्हें फौरन हॉस्पिटल ले जाइए और ऑपरेशन का इंतजाम कीजिए, मैं रुपए लेकर आती हूँ। कांच में घुस गया तांबो, तांबो में घुस गया कांच। क्या? ये 20,000 का माल नहीं होवे, ये तो 20 पैसों का हार होवे। सब खोटो है खोटो। अरे सेठ, तुम जरा चश्मा लगा कर तो देखो। अरे चश्मे की क्या बात करे, तुम किसी सूरदास को भी दिखाओ तो वो भी आंखें बंद करके बोल देवे कि माल खोटो है खोटो। एक्सक्यूज मी, आप मुझे मेन रोड तक लिफ्ट देंगे? सीधी तरह 5,000 रुपए दे दो, वरना मैं शोर मचाऊंगी कि तुम मुझे जबरदस्ती भगा कर ले जा रहे हो। जल्दी करो वरना। तुम पर जबरदस्तियां बहुत होती हैं। तुम? जी हाँ मैं। मुझे नहीं मालूम था तुम इतनी बेशर्म और घटिया किस्म की लड़की हो। मैंने सोचा था तुम्हारी अपनी कोई मजबूरी होगी जिसके लिए तुमने चोरी की थी, मुझको धोखा दिया था। लेकिन तुम्हारा पेशा ही दूसरों को लूटना और धोखा देना है, वो भी ऐसे गिरे हुए तरीके से कि औरत जात का सर शर्म से झुक जाए। अच्छा, तुम्हें कभी यह एहसास नहीं हुआ अगर किसी दिन तुम्हारे साथ सचमुच की जबरदस्ती हो गई तुम क्या करोगी? पैसों का इतना लालच है तुम्हें कि अपनी इज्जत की भी परवाह नहीं है। मुझे 5,000 रुपए चाहिए। सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल में गरीब आदमी बीमार पड़ा हुआ है, अगर उसका फौरन ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो मर जाएगा। बहुत खूब, दुनिया में गरीबों के लिए तुम ही तो एक हमदर्द रह गई हो। झूठ बोलती हो, ऊपर से यही उम्मीद करती हो मैं तुम्हारे झूठ का यकीन कर लूंगा। तुम बेशक यकीन करो लेकिन ये झूठ नहीं है, और ये भी सच है कि मैं जिंदगी में पहली बार सच बोल रही हूँ। ये सब मैं एक आदमी की जान बचाने। खामोश, चाहिए तो ये कि मैं तुम्हें सीधा पुलिस स्टेशन ले जाऊं। लेकिन गेट आउट, आई सेड गेट आउट। देर कर दी तुमने, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ऑपरेशन हो गया है, अब इस आदमी के बाद जाने की उम्मीद है। लेकिन डॉक्टर साहब रुपए वक्त पे पहुंच गए थे। किसने दिए? तुमने तो भिजवाए थे। खैर अब मैं घर जाता हूं, देर बहुत हो गई है, तुम भी जाओ। ओके। Thank you.
देखा, क्यों ऐसे देखा, आपने दीवाने हो गए, हम दीवाने हो गए, अरे आपकी चाहत के हम परवाने हो गए, हम परवाने हो गए, दीवाने परवाने, दीवाने परवाने, दीवाने परवाने परवाने दीवाने, ना जाने क्या हो गए, क्यों ऐसे देखा, आपने दीवाने हो गए, हम दीवाने हो गए, अरे आपकी चाहत के हम परवाने हो गए, हम परवाने हो गए। का जादू ऐसा चला, बात करें क्या दिल की भला, दिल से गए हम जहां से गए, देखे आपके रंग नए, अरे अदा अदा में वफा छुपी है, वफा के ढंग नए, वफा के ढंग नए, क्यों ऐसे देखा, ऐसे देखा, आपने दीवाने हो गए, हम दीवाने हो गए, अरे आपकी चाहत के हम परवाने हो गए, हम परवाने हो गए। हुस्न तेरा और इश्क मेरा दोनों जहां में और है क्या, दुनिया के अब सारे नजारे नजर से उतर गए, हाँ नजर से उतर गए, क्यों ऐसे देखा, क्यों ऐसे देखा, आपने दीवाने हो गए, हम दीवाने हो गए, अरे आपकी चाहत के हम परवाने हो गए, हम परवाने हो गए, दीवाने परवाने, दीवाने परवाने परवाने दीवाने, ना जाने क्या हो गए, क्यों ऐसे देखा, आपने दीवाने हो गए, हम दीवाने हो गए, अरे आपकी चाहत के हम परवाने हो गए, हम परवाने हो गए, दीवाने हो गए, हम परवाने हो गए, ला 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 ला। तुम्हें तकलीफ इसलिए दी कि तुम्हारा वादा 3 महीने का था और 3 महीने पूरे होने में सिर्फ 5 दिन बाकी हैं। 5 दिन ऊपर तो नहीं हुए? नहीं नहीं, वो तो बॉब होने नहीं देगा। रणवीर, तुम्हारे भाई साहब तो तुम्हें खजाना दिए बिना ही दुनिया छोड़ गए। अब भाई साहब नहीं है तो मैं तो हूँ। बॉब, 28 तारीख को मेरे बेटे की शादी हो रही है, दहेज में हमें 3 मिले मिल रही है, 2 मिले भी बेचूंगा तो मुझे करोड़ से ज्यादा मिलेगा। 29 तारीख को अपने आदि भेज देना, इंटरेस्ट के साथ तुम्हें तुम्हारा पैसा वापस मिल जाएगा। एंड डोंट गेट पैनिकी, चीयर अप। राज साहब, आप होश में तो हैं? अगर हुआ क्या है? अपने बेटे से पूछो, उसने अलका से शादी करने से इनकार कर दिया है। अलकी ने शादी से इनकार कर दिया? उसने सगाई की अंगूठी वापस कर दी है। याद रखो, मैं ये बेइज्जती हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी इज्जत खाक में मिला दूंगा, समझे? मालिक को दिल का दौरा पड़ गया। अरे दौड़ो, अरे डॉक्टर को बुलाओ, अरे मुझे बुलाओ।
हे भगवान, मेरा तो दिल ही डूब चला था। आप ठीक तो है ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। क्या कुछ नहीं हुआ? अब मैं आपको घर से बाहर निकलने नहीं दूंगी, मिल का काम विक्रम संभालेगा। नाम मतलब शरामजादे का मेरे सामने, वो मेरे घर में कदम नहीं रख सकता, समझे? दीवान साहब, ऊंचा बोलना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं, प्लीज इन्हें आराम करने दीजिए, किसी किस्म का एग्जर्शन इनके लिए बुरा है। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मुझे यहीं बैठने दीजिए, मैं इनके पास रहना चाहती हूँ। ओपो, मैंने कहा ना कि मुझे कुछ नहीं हुआ, प्लीज फॉर गॉड सेक लीव मी अलोन, प्लीज आइए, प्लीज गो, प्लीज आइए। देखिए मिसेस सिंह, तमाम टेस्ट की रिपोर्ट पढ़ने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि रणवीर सिंह जी को कुछ नहीं हुआ, ये महज एक वहम है, उनका हार्ट बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है, शायद टेंशन की वजह से घबरा गए हैं, दो चार दिन आराम कर लेंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। नमस्ते। नमस्ते। क्या आप दीवान साहब की पत्नी हैं? जी हाँ। विक्रम की माँ आप ही हैं? हाँ। पाए लागो मालकिन। आप कौन हैं? जी मैं फूलचंद, दीवान साहब का मुनि, इतने दिनों से दीवान साहब का नमक खा रहा हूँ, आपके दर्शन आज ही हुए मेरा। गुड इवनिंग सर। गुड नाइट सर। हेलो रणवीर, अकली दिल का दौरा मुबारक हो, आज तक कोई आदमी हमारा कर्ज चुकाए बगैर आराम से नहीं मरा, और तुम भी हमारी मर्सी के बिना नहीं मर सकते। राम नाम सत्य है, 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 राम नाम। नहीं। मंगलसूत्र? शादी कर रहे हो क्या? बिल्कुल, ये देखो वरमाला। वो तो ठीक है, लेकिन ये हार पहनाओगे किसके गले में? भाई है एक लड़की, पता नहीं उसने मुझमें क्या देखा है, मगर जमाने से मेरे पीछे पड़ी हुई है, कहती अगर मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं जहर खाकर आत्महत्या कर लूंगी। अच्छा? मेरे वाला भी यही कहता है। तुम्हारा वाला? hey! तुम्हारा वाला कौन है? hey! बहुत दिनों से मेरे पीछे पड़ा है, सुबह शाम हाथ में मंगलसूत्र लेके मेरी गर्दन की तरफ देखता रहता है कि मैं कब गर्दन झुकाऊं और वो कब मंगलसूत्र पहनाते हैं। नहीं नहीं शिवा, अभी नहीं, जब पिताजी नहीं थे तो बात और थी, अब तो हम उनका आशीर्वाद लेकर ही शादी करेंगे, लेकिन पता नहीं अब तक लौट कर आए क्यों नहीं। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? शिवा, इस आदमी को पहचानते हो? अरे ये तो मेरे पिताजी की तस्वीर है। कहाँ है अभी? आई एम सॉरी, वो अभी इस दुनिया में नहीं है। क्या? और उनका फोन करने वाला है शिवा। क्या शिवा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम मेरे पिताजी का खून नहीं कर सकते। शिवा कह दो तुमने ये खून नहीं किया। अगर ये तुम्हारे पिता थे तो इनका खून मैं नहीं किया है। नहीं, और मुझे इस खून का कोई अफसोस नहीं है चांदनी, जिस जालिम की वजह से इतने घर उजड़ गए, इतनी सुहागने विधवा हो गई, मुझ जैसे सैकड़ों बच्चे यतीम हो गए,
उसका खून करके मैंने कोई नाइंसाफी नहीं की, कोई जुर्म नहीं किया है, बल्कि इंसाफ किया है। चलिए इंस्पेक्टर साहब। नहीं। केस में गवाही देने के लिए कमिश्नर साहब ने आपको बंगले पर बुलाया है। सर, मरहूम दीवान रणधीर सिंह की बेटी। बेटे, हमें तुम्हारे पिता की मौत का बहुत अफसोस है और हम शर्मिंदा हैं कि हम कानून के रखवाले होते हुए भी उन्हें शिवा के हाथों से नहीं बचा सके। बेटी, हम तुम्हारे पिता को वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन तुम्हें यकीन दिलाते हैं कि कानून उनके कातिल को छोड़ेगा नहीं। मैंने उसे क्या समझा था, लेकिन वो नहीं। बेटी चांदनी सुनो, दिल छोटा नहीं करते, हमें तुम्हारे बारे में सब मालूम हो गया है। और देखो, तुम अपने आप को कभी अकेला मत समझना, हम हैं तुम्हारे साथ और तुम हमारे इसी घर में, हमारी हिफाजत में यहां रहोगी। बिल्कुल फिक्र मत करना। और चांदनी, तुम्हारे यहां रहने से हमारे काम और भी आसान हो जाएंगे। हाँ इंस्पेक्टर। यस सर। मैम साहब को इनके कमरे में ले जाओ। आइए जाओ। बाप, थैंक यू वेरी मच। आज तुम्हारी मदद से बाप और बेटी दोनों हमारे कब्जे में हैं। बाप, तुमसे किया हुआ वादा अगर पूरा ना होता तो शायद मुझे खुदकुशी करनी पड़ती। ना ना, खुदकुशी नहीं करनी पड़ती। हम तुम्हें गोली मारते थे। यू आर लकी रणवीर, तुम्हारा भाई तुम्हें बहुत ठीक वक्त पर मिल गया। लेकिन भाई साहब, होश में कब आएंगे? जब हॉस्पिटल से इधर आ गया है तो होश भी आ जाएगा। और शिवा? शिवा तो अब तक शिव के पास पहुंच गया होगा। बिच्छू का काटा रोए और सांप का काटा सोए। शिवा तो सो गया हमेशा के लिए। अब मेरा भी उद्धार कर दीजिए माई बाप, बूढ़ा हो गया हूँ आपकी सेवा करते करते। तुम्हें क्या चाहिए मुनीम? कुछ नहीं सरकार, बुढ़ापे में अकल सठिया जाती है, कहीं कभी कुछ मुंह से निकल ना जाए, इसलिए मेरा भी मुंह बंद कर दीजिए हमेशा के लिए नोटों से। मुनीम, You are right, मुनीम। तुमने इतने साल हमारी सेवा की है, तुम्हें इस सेवा का सिला तो मिलना ही चाहिए ना। ऐसा करो, तुम कल सुबह आ जाना, मैं रुपया मंगवा के रख लूंगा। तुम्हें नकद चाहिए ना? बिल्कुल नकद सरकार, वैसे लाख दो लाख कम होंगे तो चलेगा, लेकिन एकदम नकद। भगवान आपको बहुत देगा सरकार। अच्छा सरकार, मैं चलता हूँ। मुनीम जी, भूल गए ये दारू पिलाती है। सरकार। लेकिन मुनीम जी, ये उससे भी अच्छी है। अरे डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मेरी बीवी ठीक क्यों नहीं होती? रात रात भर खांसती रहती है, रात भर नींद नहीं आती मेरी शांति को। घबराने की कोई बात नहीं, इन्हें जरा सर्दी लग गई। अच्छा हाँ, मैं डिस्पेंसरी से दवा भिजवा देता हूँ जी। आप दो दो चम्मच दिन में तीन बार इन्हें दे दीजिए जी। और हाँ जी, आपके यहाँ ब्रांडी होगी?
जी ब्रांडी तो नहीं, थोड़ी सी। खैर चलेगी जी, दो चम्मच पानी में मिलाकर इन्हें पिला दीजिए, सारी रात आराम से सो सकेगी। जी धन्यवाद। लो थोड़ी सी पी लो, आराम से नींद आ जाएगी। लो क्या हुआ? मेरा गला। क्या? ये क्या पिला दिया आपने? क्या तुम्हें क्या हुआ? ये दवा है या दहर? शहर मालिक, मालिक मुझे जहर देना चाहते थे। मैंने कह दिया ना मुझे कुछ नहीं मालूम, मेरे घर में अंधेरा करके मुझी से पूछ रहे हो चांदनी कहाँ है। तुम ही तो उसको अपने साथ यहाँ से लेके गए थे। मेरे ले जाने से पहले वो इस कोठे से बाहर गई थी। कौन लेकर गया था उसे? कहाँ मिला था उसे उसका बाप? बताओ हीरा भाई बताओ। ए, हाथ छोड़कर बात कर, नहीं बताऊंगी तो क्या कर लेगा, जान से मार डालेगा। अब तुम कुछ नहीं कर सकते हो मियाँ, और ये मत भूलो ये बाजार है, यहाँ हर चीज खरीदी और बेची जाती है। चांदनी का पता चाहिए तो पहले जाके कुछ चांदी का बंदोबस्त करके आओ। ये हुई ना कोई बात, चांदनी फूलचंद मुनीम के साथ गई थी। शिवा चांदनी कहाँ है? जल्दी बताओ वरना चांद से मार डालूंगा। मरे हुए को क्या मारोगे, मगर तुम फिर से जिंदा क्यों हो गए? तुम्हें तो मर जाना चाहिए। मुनीम मुझे मत छुओ, मैं नीच हूं, कमीना हूं, दौलत के नशे में मैंने शराफत को छोड़ के बुराई को अपना लिया था, लेकिन तुम मुझसे भी घटिया हो, तुम मुझसे भी घटिया हो। मैंने तो मालिक को सिर्फ जेल ही भिजवाया था, पर तुमने तो उस मासूम को जान से मार डाला। तू खूनी है, पापी है, हत्यारा है। हत्यारा मैं नहीं, हत्यारा वो था जिसकी वजह से मेरी बहन की जान गई। हत्यारा वो था जिसने 300 मजदूरों को कोयले की खान के नीचे दबा दिया। हत्यारा वो था जिसने मेरे बाप को अपने चाकू से मार डाला। नहीं शिवा नहीं, तेरे बाप को मारने वाला बड़ा दीवान नहीं था, छोटा दीवान था। तुम नहीं जानते शिवा, ये सब छोटे दीवान की चाल है। उसने मेरी बीबी को वो मुझे मार डालेगा, वो तुम्हें मार डालेगा, वो चांदनी को मार डालेगा, वो सबको मार डालेगा, सबको मार डालेगा, वो सबको मार डालेगा। बेटे मुझे मेरे पाप की सजा मिल गई। कैसा पाप मुनीम जी? रुपये के लालच में मैंने तुम्हें तुम्हारे माँ बाप से जुदा कर दिया था। मेरे माँ बाप? हाँ, तुम इनके बेटे नहीं हो, तुम्हारे पिता रणवीर सिंह के बड़े भाई दीवान रणधीर सिंह थे। क्या कह रहे हैं आप? हाँ बहन जी, ये बिल्कुल पहले रेल की पटरी पर जो बच्चा आपको मिला था वो यही है। कैसे सुना? बोल माँ, ये सच है? हाँ। कहाँ है मेरे माँ बाप मुनीम जी? तुम्हारी माँ तो पहले ही मर चुकी थी, और तुम्हारे चाचा की वजह से
तुम्हारे पिताजी को 20 साल के जेल की सजा काटनी पड़ी थी मुनीम जी, और जेल से छूटते ही शिवा ने उनका खून कर दिया, और तुम्हारी एक बहन। बेकसूर आदमी की जान ली है। दीवान रणधीर सिंह से क्या दुश्मनी थी तेरी? क्यों मेरे पिता का खून किया था? हाँ। दीवान रणधीर सिंह तुम्हारे पिता थे? हाँ। लेकिन तू, इसका मतलब है कि चांदनी तुम्हारी बहन है? मेरी बहन? हाँ, रणवीर सिंह के आदमी चांदनी को नकली पुलिस बनकर उठा कर ले गए। अगर हम बहुत जल्दी नहीं पहुंच गए तो वो तुम्हारी बहन की चांदनी। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ विक्रम, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। माना कि मैंने जुर्म किया है, देख गलती से मैंने ही तेरे पिता को चाकू मारकर दावरी पुल के पास समुद्र में फेंक दिया था। लेकिन वो मरे नहीं, मैं समुद्र किनारे उन्हें उठाकर घर ले आई थी। इस कोट को पहचानते हो? हाँ, ये तो उन्हीं का कोट है। लेकिन वो है कहाँ? हॉस्पिटल में थे, उन्हीं के ऑपरेशन के लिए मैंने तुमसे 5,000 रुपए मांगे थे। क्या? ठीक हो गए थे, बार बार अपना कोट मांग रहे थे। जब मैं कोट लेकर हॉस्पिटल गई तो वो वहाँ थे नहीं। कोट मांग रहे थे, मगर क्यों? पता नहीं। क्या है ये? कोई नक्शा मालूम होता है। देखे, रणवीर तुम? थैंक गॉड भाई साहब, आपने आंखें क्या खोली, हमारी तकदीर के दरवाजे खुल गए। आप तो जानते ही होंगे कि आपको हॉस्पिटल से यहां क्यों लाया गया। हाँ, जानता हूं। अगर तुम मुझे मार भी डालो तो भी मैं खजाने के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। भाई साहब, मैं जानता था आपका जवाब यही होगा, लेकिन आप शायद भूल रहे हैं कि आपका छोटा भाई कितनी ऊंची उड़ाने उड़ने लगा है। बेटी, पिताजी, बेटी, पिताजी, बेटी, इन लोगों ने तो कहा था कि आप। मैं तेरी किस्मत से बच गया बेटी। बेटी, इतने सालों के बाद मिलाकर भगवान भी तुझे मुझसे नहीं छीन सकता। लेकिन भाई साहब, मैं आपसे इसको छीन सकता। रणवीर, मारो मेरे बेटे को। मैं तुम्हें खजाने का पता बताता हूं, मत मारो उसे। That's like a good father. पिताजी। बेटी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा खजाना तो तुम हो बेटी। हाँ, चलो खजाने का रास्ता बताओ। रास्ता? लेकिन पूरा रास्ता तो मुझे भी मालूम नहीं। पिताजी के साथ एक ही बार वहां गया था। हाँ, उस रास्ते का नक्शा मेरे पास है। कहाँ है नक्शा? मेरे कोट की जेब में है। कोट? कहाँ है कोट? कोट शायद उस लड़की के पास है जिसने मेरी जान बचाई। लड़की कहाँ रहती है? वो लड़की, उसका पता तो मुझे भी मालूम नहीं। व्हाट? सचमुच मालूम नहीं मुझे। डोंट वरी रणवीर, कोट मिल जाएगा। कौन हो तुम लोग, क्या चाहते हो? कोट। कैसा कोट? किसका कोट? जिस आदमी को तुमने बचाया था हॉस्पिटल में, जिसका ऑपरेशन हुआ था। वो आदमी कहाँ है? आदमी हमारे पास है, तुम बताओ कोट कहाँ है? वो कोट, वो तो मैंने दे दिया। किसे दे दिया? एक
एक भिखारी को। पहचान सकती हो उसे? हाँ, लेकिन वो भिखारी मिलेगा कहाँ? भिखारी हम ढूंढेंगे, कोट तुम पहचानोगी, समझ गए? सर, भिखारियों की भीड़ बढ़ती जा रही है, इस तरह से खाना कम पड़ जाएगा सर। खाना आधा कर दो, खाना आधा कर दो। अल मदद या अली। अंदर कुछ और बाहर कुछ, बोले मस्त कलंदर। अंदर कुछ और बाहर कुछ, बोले मस्त कलंदर। पतरा पतरा क्या देता है रह के बीच समंदर। तेरे दिए को देने में हो, तेरे दिए को देने में क्यों दुनिया करती तंग दिली। या अली या अली या अली की खैरात से। लेता है दो हाथ से और देता है एक हाथ से, बिगड़े काम नहीं बनते हैं मतलब की खैरात से। मतलब की खैरात से दुनिया देखने आए हैं, दुनिया देखने आए हैं। खाना एक बहाना है, पापी सोच में पड़ जाते हैं दरवेशों की बात से। है दरवेशों का डंका बाजे, दरवेशों का डंका बाजे, कूचे कूचे गली गली। या अली या अली या अली या अली। अंदर कुछ और बाहर कुछ, बोले मस्त कलंदर। कतरा कतरा क्या देता है रह के बीच समंदर। तेरे दिए को देने में क्यों दुनिया करती तंग दिली। या अली या अली या अली या अली।
बोलो इन दोनों में से तुम्हारा क्रोध कौन सा है? ये दोनों कोट तो एक जैसे लगते हैं। ए, इन दोनों के कोट भेदी बाबा, क्या जमाना आ गया है फकीरों को कुछ देने की बजाय फकीरों से कुछ ले रहे हैं। छेदी बाबा, इन भूखे नंगों में एक ही सेठ है, वो देखो क्या फरिश्तों जैसी मासूमियत है चेहरे पर। बॉब, निकला कुछ नहीं? आज तक आपने हमें अपने से दूर रखा, अब हमें अपनी शरण में ले लीजिए। हम प्यार के भूखे हैं, इस छुरी में अपना प्यार डाल दीजिए। अरे इस भूले भटके को तुम्हारे दर्शन करके बहुत खुशी हुई बहन। कुछ नहीं है। ए, कोट की जेब में एक नक्शा था, कहाँ है? कहाँ है? खाली आप पेट में है। मैं इन दोनों का पेट फाड़ डालूंगा। अरे विदेशी बाबू, नक्शा फिर भी नहीं मिलेगा। इन दोनों को गोली मार दो। खड़ो, हमने वो नक्शा देखा। तुमने वो नक्शा देखा? पड़ा पड़ा और फिर फाड़ डाला। तुमने वो नक्शा फाड़ डाला? लेकिन वो यहाँ है। हम वहां पहुंचे। वहां पहुंचे? जहां मैं नक्शा ले गया। लेकिन कहां? जंगल के अंदर। पुराना मंदिर। मंदिर के अंदर मिला। पूछो क्या मिला। क्या मिला? पत्थर। अरे वही जो हम भिखारियों के तकदीर में। मैं तुम लोगों को जान से मार दूँ। ये सच कहते हैं, ये लोग अगर मुझे मंदिर तक ले जाएं तो आगे का रास्ता मुझे मालूम है। इन सबको साथ ले जाने की तैयारी करो, हरी अब। चलो रुक क्यों गए? बस यहीं से गड़बड़ है। तुम्हारा रास्ता कौन सा है भेदी बाबा? दाएं कोने से है छेदी बाबा। नहीं, मेरे नक्शे के हिसाब से बाएं कोने से। तुमने नक्शा उल्टा देखा था, दाएं कोने से है। नहीं, मेरा विचार है कि बाएं चलो और दाएं मुड़ो। मेरा विचार है कि दाएं चलो बाएं मुड़ो। नहीं, बाएं और दाएं। दाएं और बाएं। ओ भेदी बाबा, छेदी बाबा, भेदी। मुझे लगता है इसकी नीयत में कुछ खोट आ गई है। क्या मतलब? वो मतलब नहीं जो तुम सोच रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ कि इसके आगे कुछ आदमी डाल दो, अबे वरना सारा का सारा माल ये खा जाएगा। ए, चार आदमी आगे चलो। दो कदम आगे चलो, तीन कदम बाएं चलो, चार कदम दाएं चलो और दो कदम सीधे। शंभू, ये लो बैठ क्यों गए भेदी बाबा? क्या भेद है? छेदी बाबा, लगता है धरती में छेद। भागो भागो, रुक जाओ, पकड़ो ना रामदादो को। तुम लोग मेरे आदमियों को दलदल में डुबोकर भागना चाहते हो? सीधी तरह से सीधा रास्ता बताओ। सीधा रास्ता तो हम जानते ही नहीं, क्योंकि गधे की गधे की नहीं कुत्ते की। जो भी हाँ, टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। और टेढ़ी टेढ़ी क्या? टेढ़ी टेढ़ी।
क्या टेढ़ी? टेढ़ी से टेढ़ा रास्ता। मेरे साथ आ जाओ पतली गली। लेकिन कोई होशियारी की तो मुड़ रखो इस बार। पहले तुम चलो। कम ऑन। बार इधर आ चुके हैं। तीन बार। हाँ, और भेदी बाबा ने यहाँ के पत्थरों से सर टकरा टकरा कर सारे पत्थर फोड़ डाले, अपना सर फोड़ डाला, मगर कोई भेद खजाने का नहीं मिला। और छेदी बाबा ने इन दीवारों के एक एक छेद में झांक कर देखा, लेकिन कोई खजाने की झलक नहीं दिखाई। बाबा लोग, अब तुम लोग फिक्र मत करो। हाँ तो भाई साहब, इससे पहले कि मेरी भतीजी अपनी जान से हाथ धो बैठे, मुझे खजाने का पता बता दीजिए। अरे अब हाँ हाँ खजाना किधर है? बताता। ओम शिव शंकर। शिव शंकर। जल्दी पूजा हो चुकी। बताओ खजाना कहाँ है? दूध ला। दूध। बहुत पूजा हो चुकी है, खजाना किधर है? बताओ। वो देखो। वो पत्थर हटाओ, खजाना उसके नीचे है। की कोई जरूरत नहीं। हाँ। इन्हें खत्म कर दो। यू राइट बाप। हाँ तो बेदी बाबा, नहीं छेदी बाबा, तुम्हारी तमन्ना पूरी हो गई, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। चलाइए गोली और दिखा दीजिए दुनिया को कि दौलत के लिए एक बाप अपने बेटे को भी मार सकता है। क्या विक्रम, तुम? जी हाँ, आपका बेटा। मुझे भेस बदल कर आना पड़ा डैडी। ये आदमी आपका दुश्मन है। What? ये आपको मार डालेगा, आपसे पूरा खजाना ले जाएगा। पहले इसे गोली मारिए, शूट हिम डेड। इसके बाद मत सुनो रणवीर, ये तुम्हारा बेटा नहीं है। क्या? ये मेरा बेटा नहीं है? ये तुम्हारे भाई का बेटा है, जो बचपन में तुम्हारी बीवी को रेलवे लाइन पे मिला था। डैडी ये झूठ बोल रहा है। विक्रम, क्या सबूत है तुम्हारे पास?
सबूत। अभी मिल जाएगा। क्या ये मेरा बेटा है? नहीं, क्या पता जो मेरे पिताजी को मारा? मत मारो। मेरा बेटा नहीं। मेरे भाई को सबूत मिल गया। ओह, तो आज तक बेटा समझकर मैं एक सांप को दूध पिलाता रहा। अब मेरे सारे के सारे दुश्मन एक ही साथ खत्म हो जाएंगे। और सबसे पहले नहीं रणवीर, नहीं रणवीर, एक सांप यहां भी है। शिवा, तू? हाँ, शिव के मंदिर का पुजारी शिवा। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। चांदनी, मुझे माफ कर देना, मैं अनजाने में आज तक तुम्हारे पिता को अपने खानदान का कातिल समझता रहा। लेकिन दरअसल मुजरिम ये है और आज मैं इसे मारकर अपनी कसम पूरी कर लूंगा। नहीं शिवा, गोली मत चलाना वरना इस पूरी पहाड़ी पर जलजला आ जाएगा। यहां आवाज गूंजेगी तो फैलेगी और उससे इस पहाड़ी का हर पत्थर अपनी अपनी जगह छोड़ देगा। हम सब के सब मर जाएंगे। गोली मत चलाना। मौत भी होगी और गोली की आवाज भी नहीं होगी। मेरे रिवॉल्वर में साइलेंसर लगा हुआ है। बहुत You are wonderful. Bang, bang, dal, dal, man. Ha ha ha!
बचने का एक ही उपाय है, शिवजी के चरणों में आओ मेरे साथ, चलो। सोचोगे तो सोचते रह जाओगे और हिंदुस्तान की आबादी कम होते होते रह जाएगी। अरे वो देखो ट्रेन भी आ रही है। मैं तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करूंगी, भगवान का नाम लो और जल्दी से उठ जाओ। एक दो तीन चार नहीं नहीं नहीं, वहां नहीं यहां नहीं नहीं शिवा, उधर ही कूदो, इधर कूदोगे तो आबादी बहुत बढ़ जाएगी।